Hope so you are fine and well. Today we are going to start our topic 2 of English grammar book, and that is the sentence and the phrase. Now open your book and listen carefully, which I explain. Now I'll start a sentences. Usme first hai, a sentence is made up of two parts the subject and the predicate. यह आपको पहले ही है आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो कि कोई भी सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से बनता है द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट सेकेंड इज द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन प्लेस थिंक और आइडिया दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे हम क्या कहेंगे सब्जेक्ट अब वो पर्सन भी हो सकता है प्लेस थिंक और कोई भी आइडिया भी हो सकता है थर्ड वन इज द प्रेडिकेट टेल्स असमथिंग अबाउट द सब्जेक्ट अब प्रेडिकेट क्या है जो हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स दर्ब नाव यू विल सी एग्जाम्पल्स यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बॉक्स दिया गया है अब फर्स्ट सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है द बॉयज अब द बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द बॉयज अब हमें प्रेडिकेट के थ्रू सब्जेक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी आर ईटिंग आइसक्रीम यानी कि देखिए पिक्चर में जो बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं आइसक्रीम खा रहे हैं और प्रेडिकेट में ऑलवेज जो हमारा मेन वर्ब है वो इंक्लूड होता है सेकेंड एग्जाम्पल द हाउस ऑन द हील अब जो हील पे हाउस है वो तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है इट्स अ वेरी ओल्ड वन अब ये हमारा प्रेडिकेट है जो हमें हाउस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है देखिए पिक्चर में जो हाउस है वो कहाँ पर है हील पे है और वो बहुत ही ओल्ड है सब्जेक्ट है हमारा द हाउस ऑन द हील अब उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रेडिकेट के थ्रू मिलती है कि वो बहुत ओल्ड है इज़ अ वेरी ओल्ड वन फोर्थ इज यूजली द सब्जेक्ट अकर्स बिफोर द प्रेडिकेट सम्स हाउ एवर द सब्जेक्ट अकर्स आफ्टर द प्रेडिकेट नॉर्मली जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आगे और फिर प्रेडिकेट होता है पर कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट पीछे और उसके पहले प्रेडिकेट आ जाता है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फर्स्ट हियर कर्म्स द ब्रेव मैन तो यहाँ पे देखिए हियर कर्म्स क्या है हमें द ब्रेव मैन की इंफॉर्मेशन देता है पर यहाँ पर हियर कम्स जो हमारा प्रेडिकेट है वो पहले है और द ब्रीफ मैन जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के आगे है बी इज द बलून तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है द बलून जो पीछे है और हमारा प्रेडिकेट अपड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है सो कई सेंटेंस में ऐसा होता है कि जो हमारा प्रेडिकेट है वो आगे होता है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो आफ्टर द प्रेडिकेट होता है Now B is phrases. A phrase is a group of words that conveys some meaning but does not make complete sense by itself. Phrase क्या है? Group of words जो कुछ meaning convey करता है पर उसका कोई complete sense नहीं होता. Examples देखते हैं. उसमें first है a bunch of grapes. अब देखिए हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? A bunch of crabs. तो वो कुछ मीनिंग तो देता है पर उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है हाँ पर बंच ऑफ ग्रेप्स हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूर हेल्पफुल है सेकंड है इन अलाउड वॉइस सी ऑफ ग्रेट वेल्थ डी विदाउट एनी केयर फिफ्थ इज विथ ग्रेट वायोलेंस तो आप ये देखिए क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है उसका कुछ मीनिंग तो है पर कंप्लीट सेंस में नहीं है पर अगर हम उसे सेंटेंस में यूज करें तो उसका कंप्लीट सेंस मिल सकता है एफ इज कम फेस टू फेस विथ जी अंडर योर रूफ नेक्स्ट है फॉर द टाइम बिग एंड द लास्ट इज अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स तो ये सब क्या होते हैं फ्रेजेस नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक टुडे वी विल सी एक्सरसाइज वन and in the next video we will see exercise टू exercise थ्री and exercise फोर now exercise वन is underline the subject in the following sentences. अब हमें यहाँ पे जो सेंटेंसेज दिए गए हैं उसमें से हमें सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करना है फर्स्ट सेंटेंसेस सोहम एंड सुमन their एंगेजमेंट अ सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो यहाँ पर हम किसके एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं सोहम और सुमन की तो हमारा सब्जेक्ट होगा सोहम और सुमन हमें उसके नीचे अंडरलाइन करनी है नाउ सेकंड इज द कनिंग फॉक्स गॉट आउट ऑफ द बॉक्स इन नो टाइम तो यहाँ पर हम फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि कनिंग फॉक्स के तो हमारा सब्जेक्ट होगा द कनिंग फॉक्स थर्ड वन इज द डिस्क्रंटल्ड बियर एंड इट्स कब्स कब्स यानी उसके बच्चे और डिस्क्रंटल्ड यानी कि असंतुष्ट द डिस्क डियर एंड इट्स कर् ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट वंडर्ड अरांग द फॉरेस्ट नेक्स्ट इज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर स्ट्रॉल्ट स्ट्रॉल्ड डर की वॉक स्ट्रॉल्ट लायन एंड द लायनस तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं द लायन एंड द लायनस तो हमारा सब्जेक्ट देखिए कहाँ पर है सेंटेंस के लास्ट में और जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के पहले है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द लायन एंड द लायनस फिफ्थ वन इज ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ द जंगल डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो जंगल के सारे बर्ड्स है और एनिमल्स हैं उनकी तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ द जंगल यानि कि जंगल के सारे बर्ड्स और एनिमल्स सिक्स वन इज द मिनिस्टर एंड हिज फॉलोवर्स वर वेलकम बाय द विलेज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है द मिनिस्टर एंड हिज फॉलोवर्स जिनका वेलकम किया था विलेजर्स ने तो यहाँ पर हमें द मिनिस्टर और उसके फॉलोअर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनका वेलकम हुआ विलेजर्स के थ्रू तो हमारा सब्जेक्ट होगा द मिनिस्टर एंड हिज फॉलोवर्स सेवेंथ इज द कंप्यूटर एंड द प्रिंटर हैज़ बिन सैन फॉर रिपेयर्स अगेन अब हमने किसको रिपेयर में दिया है द कंप्यूटर एंड द प्रिंटर सो so, यहाँ पे हमारी बात हो रही है कंप्यूटर और प्रिंटर के बारे में इसलिए हमारा सब्जेक्ट होगा द कंप्यूटर एंड द प्रिंटर नेक्स्ट इस इंटू द आई सी वाटर्स ऑफ द सी सेंट द टाइटेनिक देखिए यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट है द टाइटेनिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो लास्ट में है और उससे पहले हमारा प्रेडिकेट है इंटू द आई सी वाटर्स ऑफ द सी सेंट अब ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है टाइटेनिक के बारे में पर टाइटेनिक हमारा सब्जेक्ट है पर यहाँ पर जो टाइटेनिक है वो एंड में दिया गया है आफ्टर द प्रेडिकेट नाइन्थ वन इज सॉक्रेटिस वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड आउटस्पोकन मैन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉक्रेटिस की जो कि इंटेलिजेंट और आउटस्पोकन मैन है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा सॉक्रेटिस लास्ट इज क्लेपैट्रा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लेपैट्रा की तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा हमारा प्रेडिकेट आई होप यू आर क्लियर विथ इट आपको एक्सरसाइज वन हमारी ग्रामर की बुक में कंप्लीट कर लेनी है एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल सी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज थ्री एंड एक्सरसाइज फोर टिल देन स्टेपी एंड स्टेल दिएट होम गुड बाय